मैं सोनी चलते चलते चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर पे ही आप कैसे अपने नाखूनों की देखभाल करें। ऐसे तो खूबसूरती भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही अनमोल तोहफा है, लेकिन खूबसूरती को संभाल के रखना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि जरूरी है खूबसूरत दिखना। वैसे हम लोग ज्यादातर अपनी खूबसूरती के लिए अपने बालों और अपने चेहरे पे ज्यादा ध्यान देते हैं और अपने हाथों और पैरों को भूल जाते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में आप रेडी हो रहे हैं, आपने बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने हैं, चेहरा आपका बहुत खूबसूरत लग रहा है, बाल भी पूरी तरह से स्टाइलिश हैं, बट आपके नेल्स अच्छे नहीं हैं, तो आपकी सारी खूबसूरती वहीं धरी की धरी रह जाती है। तो फ्रेंड्स, अपने नेल्स पे भी ऐसे ही फोकस कीजिए जैसे आप अपने चेहरे, कपड़े और बालों पे करते हैं। आइए जानते हैं घर पे हम कैसे सुंदर नेल्स पाएं, कैसे उनकी खूबसूरती को बढ़ाएं। नेल्स की खूबसूरती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे नाखूनों को भी लगता है। अगर हम विटामिन से भरपूर, मल्टी विटामिन से भरपूर खाना लेते हैं, आयन है उसमें, फॉलिक एसिड है, तो वो सभी हमारे नाखूनों को खूबसूरत बनाते हैं। जो हमारे नेल्स बेजान दिखते हैं उसका सबसे मेन कारण है हमारे खाने में कमी। अगर हमारा खाना संतुलित नहीं होगा, बाहर का खाना, जंक फूड ज़्यादा लेंगे तो हमारे नेल्स बेजान दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फोकस कीजिए अपने खाने पर। आइए अब जानते हैं कैसे अपने खूबसूरत नेल्स की देखभाल करें। अगर किसी के नेल्स बेजान हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं आप कैसे अपने नेल्स को खूबसूरत बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होती है मसाज, जो नेल्स पे हमें ज़रूर करनी चाहिए। आइए देखते हैं कैसे होगी वो मसाज। एक बाउल में आप गुनगुना पानी ले लें जो मैंने लिया हुआ है, और इसमें थोड़ा सा नमक डालें, एक चुटकी नमक। नॉर्मल नमक आप ले सकते हैं जो हम खाने में यूज़ करते हैं, और इसे मिक्स कर लें, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें थोड़ी देर तक अपने नेल्स को डिप करके रखें आप। नेल्स को 5 से 7 मिनट तक डिप करने के बाद आप इन्हें अच्छे से साफ कर लें दोनों हाथों से। इस तरह से आप अपने नेल्स को साफ कर लें। इनको साफ करने के बाद आप नारियल और ऑलिव ऑयल मिलाकर इनकी मसाज करें। नारियल का तेल और ऑलिव ऑयल मिला के आप एक बाउल में इसका तेल मिला लें, थोड़ा सा नारियल का और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जो हमने मिलाया हुआ है ये बाउल में। इस ये तेल लेके फिर आप नाखूनों पे धीरे धीरे मसाज करें। इस तरह से जैसे ये मसाज मैं कर रही हूँ, इस तरह से आप मसाज करें। ये मसाज आप डेली भी कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। अगर आप इसकी मसाज करते हैं तो कम से कम 5 से 10 मिनट तक कीजिए और इसको लगा रहने दें, थोड़ी देर तक इसे छोड़ दें। लगभग 20 से 25 मिनट तक इसको ऑयल को ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आप इसे गुनगुने पानी से धो लें। आपके नेल्स जो बेजान हैं उनमें जान आएगी, खूबसूरत बनेंगे, शाइनिंग बनेंगे। जानेंगे कि सरसों के तेल से कैसे करें आप अपनी नेल्स की देखभाल। सरसों का तेल वैसे तो हमारे रसोई घर में मिल ही जाता है, हम इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं, हमारी सब्जियां सरसों के तेल में ही पकाई जाती हैं। जानते हैं कैसे इससे हम अपने नाखूनों की देखभाल कर सकते हैं। हमने इस बाउल में सरसों का तेल लिया हुआ है थोड़ा सा। अब इस सरसों के तेल से हम मसाज करेंगे अपने नाखूनों पर। धीरे धीरे मसाज करते रहिए, कम से कम 5 से 7 मिनट तक मसाज कीजिए आप।
अगर आप रसोई घर में डेली काम करते हैं, अक्सर महिलाओं को समस्या रहती है कि उनके नेल टूटते हैं। उनके टूटने की मेन वजह होती है कि वो गर्म बर्तनों को ऐसे ही उठा लेते हैं हाथों से और वो गर्म होके चटकने लगते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो सरसों के तेल से आप इसका उपचार कर सकते हैं, अपने नाखूनों के टूटने और चटकने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसको आप डेली कीजिए 5 से 7 मिनट तक, उसके बाद गुनगुने पानी से धो लें, आपके नेल्स अच्छे हो जाएंगे। कुछ लड़कियों को शिकायत रहती है कि उनके नाखून बढ़ते नहीं हैं, अगर बढ़ भी जाते हैं तो बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हम आज आपको बताएंगे क्या उपचार कर सकते हैं। फिटकरी, फिटकरी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली इसका इस्तेमाल सेविंग किट में करते हैं हम लोग, जब कभी कट जाते हैं तो ब्लड निकल जाता है, उस कंडीशन में हम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। आज हम इसका उपचार करेंगे नेल्स को बढ़ाने के लिए। एक फिटकरी का इस तरह का पीस ले लें जो दिखाया हुआ है हमने, और एक बाउल में गुनगुना पानी ले लें, उसमें इसको डिप करें। डिप करने के बाद धीरे धीरे आप अपने नाखूनों पे इसे रगड़ें। इससे फ़ायदा होगा कि आपके नाखून मजबूत बनेंगे और जो इनका कमज़ोर होके टूटने की शिकायत है वो आपकी दूर हो जाएगी। आपके नाखूनों का जो पीलापन है वो भी दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप गुनगुने पानी में नमक डाल के, एक चुटकी नमक डाल के अगर डिप करके रखते हैं तो उससे भी आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। कुछ लड़कियों को शिकायत रहती है कि उनके नाखून बेजान हैं और उनमें चमक नहीं है, तो आज हम आपको बताते हैं कैसे अपने नाखूनों को खूबसूरत और चमकदार बनाएं। नींबू का इस्तेमाल आप इसके लिए कर सकते हैं। एक नींबू लें और इसका इस तरह का पीस आप काट लें, गोल गोल पीस। इसमें हल्का सा रस है, ज़्यादा रस नहीं है, क्योंकि नाखूनों पर रगड़ने के लिए हमें ज़्यादा रस की ज़रूरत नहीं होती और वो वेस्ट भी नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे हम इसको रगड़ेंगे अपने नाखूनों पर। इस तरह का टुकड़ा लेके आप धीरे धीरे अपने नाखूनों पे रगड़ें। इससे आपके नाखूनों में जान आएगी और वो चमकदार और सुंदर बनेंगे। आप ये प्रयोग हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपके नाखून साफ भी होंगे। इसके साथ साथ क्योंकि इसमें एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, इससे आपके नाखूनों के जो कई बार प्रॉब्लम्स होती है हमें, इसमें जीवाणु या विषाणु आ जाने की, तो वो भी दूर हो जाएगी। बिल्कुल साफ सुथरे नाखून आपको मिलेंगे। ये जो उपाय हमने आपको बताए हैं ये तो आप करेंगे ही, साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है जिसका आप ध्यान रखें, अपने नाखूनों को काटने का ढंग। कभी भी आप नाखूनों को काटने के लिए ब्लेड या कैंची का इस्तेमाल ना करें। जब भी नाखून काटें तो नेल कटर से ही काटें। नेल कटर से नाखून काटने से आपके नेल्स की शेप बनी रहती है, ब्लेड या कैंची से अगर आप काटते हैं तो उनकी शेप बिगड़ जाती है और वो बहुत ही भद्दे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की, आप कैसे अपने नाखूनों को सुंदर बनाएं, खूबसूरत बनाएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें अपने नाखूनों को खूबसूरत बनाने का ढंग, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपके साथ शेयर कर सकें। नमस्कार।